आज आप देख रहे हैं हमारा पारसी फूड स्पेशल। भाई अतिथि है तो इसके लिए कुछ बढ़िया सी एक रेसिपी बनाते हैं और उसमें आलू का इस्तेमाल करेंगे, आलू की सल्ली, यह जो आलू की सल्ली है इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ तैयारी करनी है और ये जो तैयारी है इसमें पकाने के लिए बढ़िया सा पैन, नॉनस्टिक पैन, और फिर ये यहाँ पर तेल ले लेते हैं। भाई जैसे मैंने आपको बताया जो पारसी लोग हैं वो काफ़ी मस्त लोग होते हैं तो खाने में भी काफ़ी मस्ती नज़र आती है। तो तेल गर्म हो जाए फिर मैं इसमें डालूँगा ये इलायची और फिर उसके साथ साथ दालचीनी, ज़्यादा नहीं। चलिए और अब इसमें डालना है प्याज, तो प्याज मेरे पास ये ले लिया, इसे इवनली स्लाइस कर लें, ये पतला पतला काट लेते हैं प्याज को। ये जो प्याज है ये लीजिए और गर्मा गर्म तेल, गर्मा गर्म तेल के अंदर ये प्याज। जब तक प्याज पकता है कुछ और चीजें तैयार करनी है, जैसे मेरे पास यहां पर है ये एप्रिकॉट खुरमानी सूखी वाली, देखिए ये जो है सूखी वाली खुरमानी, इसको गर्म पानी के अंदर डाल के रखें, कुछ देर उबाल लें अच्छी तरह से और उसी पानी में फिर रहने दें। देखिए उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाएगी, कितनी सॉफ्ट, और इसके अंदर ये बीज रहता है, आप चाहें तो ये बीज निकाल सकते हैं। ये देखिए ये जो बीज है इसके अंदर भी बीज रहता है और वो जो सीड है थोड़ा कड़वा होता है, तो खैर निकालने में बड़ा मज़ा आता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्याज, प्याज कुछ देर तक और पकाना है। अब इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ये लहसुन की पेस्ट, तो ये लहसुन की पेस्ट और ये अदरक की पेस्ट, ये हो गई, और दोनों चीज़ों को ज़रा मिक्स कर लेते हैं हम, और फिर उसके साथ इसमें डालते हैं ये टमाटर, ये लीजिए ग्रेट किए हुए टमाटर, ये इसके अंदर, और अब इसके अंदर कुछ मसाले, और मसालों में लाल मिर्च पाउडर, ये बढ़िया लाल मिर्च पाउडर, तीखा जितना आपने खाना उसके हिसाब से। वैसे मिर्च में जो ज़्यादा तीखी वाली मिर्च होती है उसका रंग इतना ज़्यादा लाल नहीं होता है, लेकिन कई बार वो भी हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में, आसाम में, नागालैंड में जो भुज जोलोकिया मिर्च है बहुत ही तीखी होती है। वैसे मेरे ऑफिस में मेरी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, डराने के लिए रखी हुई है मैंने, खैर आपको नहीं डरा रहा इसलिए नहीं मिला रहा उस चिली से, वो भी वैसे काफ़ी लाल है। अच्छा इसमें थोड़ी सी हल्दी, अच्छा ये जो हल्दी है आप चाहें तो बिना हल्दी के भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि इसमें थोड़ी सी हल्दी डालने से इसमें इसका जो रंग है डिश का बेटर हो जाता है। और अब इसके अंदर नमक, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे डिश क्या बन रही है, प्याज टमाटर के मसाले में क्या डलेगा, ये हम बना रहे हैं चिकन और वो भी जरदालू वाला सल्ली के साथ में, तो विद बोन चिकन लेकर इसके अंदर। वैसे जो लोग वेजिटेरियन हैं वो इस डिश को वेजिटेरियन किस तरह से बना सकते हैं, भाई अपनी पसंद की सब्जियां डालें। वैसे ये मशरूम और आलू की एक सब्जी आप इसी मसाले में बनाएं सल्ली के साथ में, बहुत बढ़िया लगती है। तो ये देखिए ये चिकन, इसमें डाल देते हैं थोड़ा पानी, ये और अब इसमें थोड़ी चीनी भी, ये लीजिए। वैसे कुछ लोग मैं जानता हूँ जो इस रेसिपी के अंदर 2 चम्मच केचप भी डाल देते हैं, खैर हम नहीं डाल रहे हैं, और उसके साथ साथ ढक्कन लगाकर कुछ देर तक पकने देते हैं। भाई जब तक ये चिकन पकता है तब तक क्या करें, चलिए घूम के आते हैं आपको दिखाता हूँ पारसी रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलता है। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, नॉनवेज काफ़ी ज़्यादा होता है, चलिए देखते थे। पारसी लोगों का खाना दिखने में भले ही साधारण हो लेकिन स्वाद में एकदम लाजवाब है।
पारसी खाने में गुजराती और पर्शियन खाने का काफी प्रभाव है। वो पात्रानी मच्छी हो या धनसक दाल या चिकन। देखते हैं चिकन का क्या हाल है। खुशबू तो अच्छी आ रही है, खट्टी मीठी खुशबू, लेकिन मुझे लगता है अभी इसमें खट्टा भी कम है और मीठा भी कम है, तो वो कमी कैसे पूरी की जाए। देखिए मीठे की कमी तो पूरी होगी इससे, ये जो जरदालू हैं ये इसके अंदर डालते हैं, पानी में भीगे हुए, गरम, एकदम उबले हुए, सॉफ्ट। और उसके साथ साथ इसमें डालते हैं ये खटाई, ये है माल्ट विनेगर, ये इसके अंदर, ये लीजिए, और फिर ये मिक्स कर दिया। जब ये चिकन पूरी तरह से गल जाए उसके बाद ये चिकन को डिश के अंदर डाल के, इसी तरह से नहीं, ये डिश कंप्लीट नहीं होगी, जर्दालू मुर्ग तो हो जाएगा लेकिन मज़ा आएगा सल्ली डाल के। जी हाँ, आलू की सल्ली, ये इसके ऊपर ढेर सारी, फिर मज़ा लें बढ़िया सी पारसी डिश का। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका रीकैप। इसके लिए हमें चाहिए 150 ग्राम सूखी खुरमानी, आलू की सल्ली आवश्यकता अनुसार, 1 किलो चिकन के पीसेस, 2 बड़े चम्मच तेल, 5 हरी इलायची, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 4 प्याज स्लाइस की हुई, 2 छोटे चम्मच लहसुन की पेस्ट, 2 छोटे चम्मच अदरक की पेस्ट, 2 टमाटर कटे हुए, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच चीनी और 2 बड़े चम्मच माल्ट विनेगर या सिरका। इसे बनाने के लिए खुरमानी को 1 कप गर्म पानी में डालकर इसे नरम होने के लिए रख दें। 1 पैन में तेल गरम करके इसमें हरी इलायची, दालचीनी और प्याज डालकर भून लें। इसके साथ लहसुन की पेस्ट और अदरक की पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें टमाटर डालकर भूनें। इसके साथ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और चिकन के पीसेस डालकर तेज आंच पर भूनें। अब इसके अंदर 1 कप पानी और चीनी डालकर मिलाएं और इसे चिकन गलने तक पका लें। इसके बाद इसमें खुरमानी और विनेगर डालकर करीब 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं और इसे आलू की सल्ली से सजाकर गर्मा गर्म सर्व करें।